हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टीवीएस की न्यू अपाची 162V और उसके साथ ही पुरानी वाली अपाची 162V BS6 मॉडल है। इन दोनों बाइकों की ड्राइव यहां पे कराने वाले हैं और देखते हैं कौन सी यहां पे विन करके जाएगी। टीवीएस बोलती है कि नई वाली अपाची के अंदर 0.5 BHP बढ़ा दी गई है, मतलब पावर ज़्यादा हो गई है। तो ये जो पावर ये रियल लाइफ में दिखती है या फिर नाम की है या फिर पेपर पे जो भी है, जैसा भी अपन देख लेंगे। और वैसे आपको पता है रेसिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स RTR भगाने के लिए काफ़ी जानी जाती है और काफ़ी सारी बाइकों से मैंने ड्रैग रेस की है, अपने सेगमेंट में सबसे ऊपर निकल के आती भाई। अपाची 162V हो या फिर अपाची 164V हो, काफ़ी सही भाग लेती है। लेकिन आज दोनों ही भाइयों की टक्कर हो रही है, मतलब दोनों सेम प्रजाति है यार, सेम प्रजाति की रेस कर रहे हैं। उस पावर का हल्का सा फर्क है पेपर वाइज, रियल लाइफ का फर्क अभी पता लग जाएगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसमें, साथ ही आपको बताना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीरजन, पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। अभी आपके सामने है अपाची 162V का नया मॉडल और उसके साथ है अपाची 162V पुरानी वाली BS6 बाइक है। लेकिन ये अपाची 162V BS6, इसके अंदर पावर आती है 15.50 HP की और इसके अंदर पावर बढ़ा दिया तो अभी इसके अंदर है 16.04 HP। अभी इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, उसकी फर्स्ट सर्विस क्या बहुत कुछ हो चुका है, वो तो काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है। तो अभी इन दोनों बाइकों की ड्राइव अपन यहाँ पे करने वाले हैं, देखते हैं कौन सी विन होती है। इसमें जो पावर बढ़ाई है उसका असर दिखता है या फिर नहीं दिखता है या फिर कब दिखेगा, तो ये जो भी चीज़ें हैं आज की ड्राइव इसमें क्लियर हो जाएगी। और साथ ही आपको बता देता हूँ, देखो इन दोनों बाइकों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और आपको ऐसा लगता होगा कि यार दो चार चीज़ें चेंज कर दी, हेडलाइट और मीटर वगैरह वो सेम है, तो भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पूरी बाइक चेंज है। ये दोनों बाइक बिल्कुल अलग है, हर एक चीज़ बहुत अलग है। इनका एक कंपैरिजन वीडियो में बनाऊंगा, कंपैरिजन वीडियो के अंदर आप देख लेना, सब कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा दोनों बाइकों में, है ना। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, उसका वेट करना। बाकी अपनी रेस का फर्स्ट अटैम्प स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैं चला रहा हूँ अपाची 162V का नया वाला मॉडल और मनु भाई चला रहा है पुरानी वाली। तो अभी ये फर्स्ट अटैम्प रहेगा, फिर सेकेंड अटैम्प में हम राइडर स्विच कर लेंगे और सेकेंड अटैम्प भी ज़रूर देखना, क्योंकि राइडर स्विच करने के बाद ही बहुत ज़रूरी होता है रेस को देखना। तो अभी यहाँ से हम रेस स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरा वेट है लगभग 70 किलो के आसपास और मनु भाई का वेट है लगभग 57-58, तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है उससे, तो अपने लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज रह जाए क्योंकि आज सेम बाइक है ना। बाकी फिर देखते हैं रेस के अंदर क्या रिजल्ट आता है और फिर राइडर स्विच तो करके देखेंगे क्या रिजल्ट रहता है क्या नहीं रहता। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट अटैम्प, वो ले आए बराबर में, ठीक है। ये अपना फर्स्ट अटैम्प है, इसके बाद एक अटैम्प और करेंगे राइडर स्विच करके। तो अभी बराबर में है लेकिन अभी हल्का सा आगे जा रही है पुरानी वाली। और अभी थोड़ा पीछे हो गई अपनी, थोड़ा सा पीछे है लेकिन देखते हैं ये पकड़ पाती नहीं पकड़ पाती है उसको। अभी बराबर में चल रही है दोनों बाइक, वो वहाँ पे चल रही है, ये यहाँ पे चल रही है, आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर में आ चुकी है। अभी कहां तक आगे रहती है वो आ जाएगी शायद, मे भी मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल थोड़ा सा आगे चल रही है वो हमसे। अभी इससे पहले हमने एक ड्राइवर शोर करी थी लेकिन वो अटेम्प्ट खराब हो गया क्योंकि ये बीच में कार्स वगैरह आ गई थी एकदम से, उसमें उसने एक अच्छा डिस्टेंस बना दिया था लेकिन फिर ये बाइक उसको पकड़ने लग गई थी। ये अपनी नई वाली बाइक है ना, ये पुरानी वाली को पकड़ने लग गई थी, शुरुआत में पुरानी वाली आगे निकली थी। लेकिन वो अटैम्प्ट ख़राब हो गया हमारा, ये सेकंड अटैम्प्ट था एक तरह से, लेकिन अभी फर्स्ट अटैम्प्ट बना के चलना पड़ रहा है। अभी मुझे नहीं पता वो पुरानी वाली कहाँ पे चल रही है, तो अपनी बाइक चल रही है अभी 130 129। I'm 30.
थ्री यार काफ़ी सही भागती है भाई ये, और अभी तो इस बाइक की फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। तो मुझे नहीं पता वो टू वी कहाँ पे चल रही थी पुरानी वाली, लेकिन आगे तो ये नई वाली थी। अभी राइडर स्विच करेंगे, राइडर स्विच करके एक अटैप बोर करते हैं अपन, और मैं चलाऊंगा पुरानी वाली इस बार, और मनु भाई चलाएगा नई वाली। करते हैं अपने सेकंड अटैम्प स्टार्ट। हाँ इस बार थोड़ी ठीक लॉन्च हो गई है, इसको लॉन्च करना ही महाभारत हो गई थी यार। अभी पता नहीं क्या हो रहा था, क्लिच छोड़ते बैक मार रही थी भाई, थोड़ा सा पीछे चली गई है वो। और अभी नई वाली अपाची आगे निकल गई है, अपन थोड़ा पीछे है, और देखते हैं अपन कवर कर पाते नहीं कर पाते हैं। ओ भाई साहब, बस मैं यही शुक्र कर रहा था कि गियर शिफ्ट सही से हो जाए, क्योंकि इससे पहले एक रेस और कर रहे थे उसमें गियर ही अटक गया था इसका पांचवा, पता नहीं पांचवा गियर रखा था चौथा, मेरे को ध्यान नहीं है। मैं जब रेस करता हूँ तो गियर पे ध्यान नहीं रहता, बस ये ध्यान रहता है कि एक्सलेटर कहाँ चल रहा है और गियर मांग रही है नहीं मांग रही है भाई। तो अभी अपन थोड़ा पास ही है वैसे नई वाली अपाची के, और देखते हैं टॉप एंड पे आगे निकल पाते नहीं निकल पाते, जस्ट बराबर में चल रहे हैं। बराबर में इतनी है, थोड़ा पीछे है, लेकिन जो डिस्टेंस है ना वो बना हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा कवर कर रही है, फिलहाल अभी कर रही है कवर, कर रही है पास जा रहे हैं, थोड़ा साइड में रखते हैं बाइक को। यार सही भाग रही है भाई ये पुराने वाले भी, मतलब उसमें 0.5 BHP ज़्यादा है, खैर यार 0.5 BHP इतना ही होता है, थोड़ा बहुत ही दिखा पाती है, और कोई 3-4 BHP एक्स्ट्रा है नहीं जो बहुत ज़्यादा दूर चली जाएगी। वो देखो वो चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, 19-20 का डिस्टेंस बना हुआ है बराबर सेम। हाँ थोड़ा सा पीछे है जस्ट, ये मान लो दोनों बाइकों के बीच में एक बाइक का फर्क है लगभग। अभी यार ये ब्रेक ना लगा ले जस्ट, मैं इसके पीछे हो गया साइड में लेता हूँ। सामने अपने भाई बैठे हुए हैं बिल्लो, नहीं भाई अभी स्लो कर लेते हैं रेस खत्म। तो डिस्टेंस था वो लगभग दोनों बाइकों के बीच में 1 से 1.5 बाइक का था, और वो बना हुआ था, वो कम ही नहीं हो रहा था। ठीक है तो फास्ट तो है नई वाली, और अभी उसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, ये चीज़ और ध्यान रखना, अभी सर्विस होने के बाद थोड़ी और फास्ट हो जाएगी भाई वो। अभी अपन रेस करके आ चुके हैं, और यहाँ पे जो नई वाली अपाची थोड़ा सा आगे रहती है, और ज़्यादा फर्क नहीं है। खैर देखो 0.5 BHP है तो इतना फर्क तो आएगा नहीं कि बाइकों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बन गया है, तो 0.5 BHP है तो इतना ही फर्क आएगा, 1.5 से 2 मीटर का फर्क रहता है दोनों बाइकों में, और यही रेस का रिजल्ट अपाची जो नई वाली जीत जाती है। और अभी इस बाइक की फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। खैर फर्स्ट सर्विस के बाद ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा, लेकिन हल्का फुल्का जैसे इंजन थोड़ा चल लेता है ना उसके बाद थोड़ी सी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है, वो फर्स्ट सर्विस का फर्क नहीं होता, वो धीरे धीरे इंजन जो रनिंग में आएगा ना थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस दे पाता है। तो बस यही था इस वीडियो में, वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अपने बाइक को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बातचीत हो जाती है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो और खुश रहो यार।